अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी, हाशमी क्लिनिक्स डॉट कॉम की तरफ से। हम ने पिछले वीडियो में होम्योपैथी फिलासफी पार्ट वन पे गुफ्तगू की, आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये गुजारिश की थी कि डॉक्टर हानिमन ने जो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको नाम दिया इलाज बिलजिद का या एलोपैथी का, और उन्होंने फरमाया कि ऐसा कोई भी तरीका इलाज जिसका कोई एक वाज़े बुनियादी और सादा असूल मौजूद न हो उसको हम एक मुकम्मल तरीका इलाज नहीं कह सकते हैं। तो एलोपैथी में हर बीमारी का इलाज जो है वो वक्ती जो सलूशन है वो देखा जाता है और किया जाता है, कोई बुनियादी उसूल जो है या कोई मेथड जो है वो मौजूद नहीं है। हाइपरटेंशन है, एंटी हाइपरटेंसिव दे दें, शुगर है एंटी ग्लाइसेमिक दे दें, एलर्जी है एंटी एलर्जिक दे दें, ब्लड प्रेशर है बीटा ब्लॉकर्स दे दें या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दें या एसी इनहिबिटर्स दे दें, यानी डिजीज को या एंटीबायोटिक्स दे दें, यानी आप या एंटी करें या उसको सप्रेस करें, वक्ती तौर पर वो अलामात जो हैं जिस्म से वो गायब हो जाएंगी, लेकिन बीमारी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगी और ये दवाओं का और ये अलामात का सिलसिला जो है ये एक विशेष साइकिल चलता रहेगा। तो इसके मुकाबले पर हानिमन ने एक वाज़े उसूल जो है वो दिया और उन्होंने कहा कि जो हम जिस चीज़ को डिजीज़ कह रहे हैं वो दरअसल डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन है, यानी वो बीमारी का इजहार है, यानी बीमारी अपने आप को जिस शक्ल में जाहिर कर रही है हम उसको बीमारी समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिल्द के ऊपर अगर कोई लियन नजर आता है तो हम समझते हैं कि ये बीमारी है, हालांकि वो बीमारी का इजहार है, वो बजाते खुद बीमारी नहीं है। तो चूंकि हमने चीजों को फिजिकल लेवल पर देखने की आदत डाली हुई है और जो नॉन फिजिकल लेवल है उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गिलास है तो उसमें गिलास की जो अहमियत है हम ये समझ रहे हैं कि वो जो शीशे की बनी हुई चीज़ है वो अहम है, लेकिन वो शीशा दरअसल जो स्पेस क्रिएट कर रहा है असल में तो वो स्पेस है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं पानी भरने के लिए। तो यानी जो फिजिकल एक पार्ट है उसका और उसका एक नॉन फिजिकल पार्ट है या कोरिलेट है जिसको इग्नोर किया जाता है। तो इसी तरह एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी ऑर्गन्स को, बॉडी को और टिश्यूज को अहमियत दी जाती है, जबकि उसके पीछे जो असल इंसान है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि जी हाँ, आप हमें कैमरे की आंख से नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं दस्तबस्ता ये गुजारिश करूंगा कि आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप जिस चीज को देख रहे हैं वो मेरा चेहरा है, वो मेरे जिस्मानियत है। जिस चीज को आप देख रहे हैं मुझे, यानी मैं जो हूं एक पर्सनैलिटी हूं, ये मेरा चेहरा है और ये मेरा जिस्म है। तो जिस चीज को आप देख रहे हैं वो दरअसल मटेरियल बॉडी है, वो ह्यूमन बीइंग जो इस मकान में रहता है वो एक डिफरेंट चीज है, वो इसका एक नॉन मटेरियल कोरिलेट आप उसको कह सकते हैं। तो हम मसलन एक हिंदी गाना जो है उसके बोल हैं कि कुछ इस तरह से हैं,
कि तूने छुआ मेरा जिस्म, तूने मुझे कहाँ छुआ। तो वो इसकी एक तरह से शायराना एक्सप्लेनेशन है कि जो असल इंसान है वो इस मकान के अंदर रहायश पजीर है, और जो डिजीज है जिसको आप डिजीज कह रहे हैं, जो आपको नजर आ रही है, चाहे वो नजर आना जो है वो आंख से नजर आ रही है या आप उसको माइक्रोस्कोप के जरिए से देख रहे हैं, आप देखते हैं कि टिश्यूज के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं या वायरस मौजूद हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये बीमारी है। तो हालांकि उस बीमारी से प्रायर या पीछे भी उसकी कुछ काज होना लाजमी है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहें कि एक कश्ती मौजूद है तो बस इसके पीछे इसका आप कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप उसको ट्रेस नहीं करेंगे काज और इफेक्ट को, यानी जो चीज आपको नजर आ रही है वो इफेक्ट है, यानी कश्ती मौजूद है वो आपको नजर आ रही है वो एक इफेक्ट है, लेकिन उस कश्ती को किसी ने दरख्त को काटा है, उसके फटे बनाए हैं और उससे कश्ती तैयार की है, तो एक लॉजिकल माइंड जो है वो उस इफेक्ट को देखकर वो ये समझ सकता है कि इसकी काज जो है वो क्या होगी, अगरचे वो उस काज का बराह रास्त ऑब्जर्वर नहीं है, उसने उस बढ़ाई को ना दरख्त काटते हुए देखा है ना उसको फटे बनाते हुए देखा है, लेकिन कश्ती की मौजूदगी जो है वो ये बता रही है एक लॉजिकल माइंड को कि इसका जरूर कोई काज जो है वो मौजूद होगा या मौजूद होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर एक चीज एग्जिस्ट करती है, कायनात एग्जिस्ट करती है, तो ये बताते खुद ये बता रही है कि इसका कोई काज मौजूद है। तो इसी तरह जो डिजीज आपको बजाहिर नजर आ रही है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई काज मौजूद होना जरूरी है। मैंने कई मरीज जो है वो ऐसे देखे हैं जो आकर आप कहेंगे, आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं अपने आप को बीमार महसूस करता हूं, या मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं करता हूं, या मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, या मुझे ये अलामात जो हैं वो महसूस होती हैं। मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया है, उन सारे टेस्ट करवा लिए हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सारे टेस्ट करवा लिए हैं, न्यूरोफिजिशियंस को मैंने चेक करा लिया है, तो जितने भी बॉडी के स्पेशलिस्ट हैं सारे टेस्ट हो चुके हैं और वो कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मरीज ये कहता है कि जब उससे आप पूछें तो दो तीन सफे अलामात की वो आपको बता देगा कि मुझे ये भी फील होता है और ये भी फील होता है ये भी फील होता है। तो मामला ये है कि बीमारी जो है वो जिस्म में मौजूद है, लेकिन अभी उसकी मैनिफेस्टेशन उस लेवल पर नहीं हुई कि जब वो पैथोलॉजिस्ट की आंख उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सके या केमिकल टेस्ट के जरिए उसको परख सके, उस वक्त तक वो बीमारी को ये समझ लिया जाता है कि ये बीमारी नहीं है और ये सेहतमंद है, हालांकि मरीज जो है वो बीमार है। तो अब इस बात को डॉक्टर हनीमन ने पहला जो एफोर्जियम है, मैंने कल गुजारिश की थी कि एफोर्जियम्स की शक्ल में, जरबुल मिसल की शक्ल में या हकीमाना कॉल की शक्ल में, दफात की शक्ल में कानून जो है वो दिए हैं, और वो उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक एक लफ्ज जो है उसका वो काबिल गौर है। तो पहला जो पैराग्राफ है ऑर्गेनन का, फिलोसफी का, वो है कि द फिजिशियंस हाई एंड द ओनली मिशन इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टॉट। तो अब बजाहिर ये जुमला जो है इसमें कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती कि एक फिजिशियन का एक हाईएस्ट या ओनली मिशन क्या होना चाहिए कि टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ, कि वो बीमार आदमी को सेहतयाब करे। तो बजाहिर बादियों नजर में इसमें कोई इबहाम जो है
वो नजर नहीं आता और ये एक सादा स्टेटमेंट और इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। लेकिन जब आप इसको जरा गौर से देखें तो इसमें मानी का एक समंदर पोशीदा है। पहली बात जो हनीमन ने कही है कि ये एक होम्योपैथिक फिजियन, डॉक्टर हनीमन एक होम्योपैथ को किस लेवल पर देखना चाहता है, सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि उसका जो आइडियल है वो उसकी हाईएस्ट फॉर्म में देखना चाहता है उसको। और मिशन क्या होना चाहिए कि एक सिख यानी एक बीमार जो है उसको वापस उसकी सेहत लौटाई जाए। अब ये जो बीमार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसमें जो चीज बयान की गई है वो बीमार है। अभी हमें बीमारी और बीमार के फर्क को समझने की जरूरत है। बीमारी वो चीज है जो किसी काज के नतीजे में एक इफेक्ट की शक्ल में आपके सामने आपको नजर आती है, जबकि बीमार वो पर्सनैलिटी है जो आपको नजर नहीं आ रही। यानी बीमारी जो है जैसे बास चीज जो फिजिकल चीज है हम उसको अहमियत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक सादा मिसाल से अगर आपको समझाऊं कि दिमाग है तो ब्रेन आप समझते हैं कि खोपड़ी के अंदर ये मगज है, ये एक फिजिकल चीज है, ठीक है। लेकिन इसकी एक फैकल्टी, इसकी एक नॉन फिजिकल को रिलेट जो है वो जहन है। इसी तरह दिल जो है वो एक फिजिकल पंप है, लेकिन जो कल्ब है वो इसका नॉन फिजिकल कोरिलेट है। तो ये पूरा जिस्म जो है ये एक तरह से उस पर्सनैलिटी का मकान है जिसमें वो रहता है। मसलन मैं अगर मैं अपनी मिसाल दूं, अगर कि मैं मर जाता हूं तो जो आने वाला है वो पूछेगा कि डॉक्टर हाशमी कहाँ है, तो जवाब देने वाला कहेगा जी वो फौत हो गए हैं। तो भाई ये क्या है जी, ये उसकी डेड बॉडी है। यानी अब ये वो नहीं रहा, ये सिर्फ एक डेड बॉडी रह गई है, जो असल शख्सियत थी वो इस जिस्म से निकल चुकी है। तो इस जिस्म का जो नॉन फिजिकल कोर, जैसे वो नजर नहीं आता है, इसी तरीके से बीमारी भी नजर नहीं आती है। बीमारी जो है वो एक नॉर्मल पाथवे से डेविएशन का नाम है और वो नॉन फिजिकल होती है। उस डेविएशन के नतीजे में बीमारी जो अपना इजहार करती है जिस्म के ऊपर, हम उसको बीमारी समझ रहे हैं। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट, तो ये सिख से मुराद हनीमन की वो बीमार शख्सियत है जिसको आपने ठीक करना है, ना के लोकल एप्लीकेशंस के जरिए से या उसके जो फिजिकल टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनके अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों को करेक्ट करते रहने से उसका इलाज मुकम्मल नहीं हो सकता, जब तक के उसका पीछे जो काज है आप उस तक अप्रोच नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर की हिफाजत के लिए आपने एक गार्ड रखा हुआ है, तो उस गार्ड की मौजूदगी में आप देखते हैं कि जो चोर हैं वो घर में दाखिल नहीं हो सकते, उन्हें मालूम है कि इस घर पर एक गार्ड जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर वो गार्ड बीमार हो जाए और छुट्टी पे चला जाए और चोरों को ये पता चल जाए कि अब इस घर पर गार्ड मौजूद नहीं है, तो वो घर की पिछली दीवार में नकब लगा के चोरी कर लें और मालिक मकान सुबह उठ के देखे और वो मिस्त्री बुलाए और वो कहे कि भाई ये दीवार यहाँ से जो है वीक है, जितनी टूटी हुई है, और मिस्त्री से कहे कि यहाँ दो एक का मसाला बनाओ और इस दीवार को पहले एक फुट चौड़ी है अब इसको तीन फुट चौड़ा कर दो इस जगह से, क्योंकि यहां से ये वीक है।
तो एक समझदार आदमी अगर मौजूद है तो वो कहेगा भाई इस दीवार को मोटा करने से आपका घर चोरी से महफूज नहीं हो जाएगा। सेंसिबल बात यह है कि आप उस गार्ड का इलाज करा लो तो जो इसकी हिफाजत पे मामूर है। तो जो आपका जिस्म है इसकी हिफाजत जो चीज कर रही है वो आपकी वाइटल फोर्स है, वो आपका वाइटल फैक्टर है, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। आप उसका नाम कुछ भी रख लें, वो एक नॉन फिजिकल चीज है जो आपकी बॉडी को एनिमेट करती है, उसको जिंदा रखे हुए है, उसकी हिफाजत करती है चोर चक्कों से, जरासीमों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, अमीबा से, फंगस से। तो ये जितने भी चोर हैं ये उस वक्त तक जिस्म का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं जब तक उसकी वाइटल फोर्स, उसका वाइटल फैक्टर, उसका डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है और प्रॉपर काम कर रहा है। यानी वो शख्स सेहतमंद है, वो सिक नहीं है। लेकिन जब उसकी सेहत की मामलात में डेविएशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी तो फिर वो बीमारी अपना इजहार जिस्म पर टिश्यूज के अंदर करना शुरू कर देगी और वो बीमारी हमें फिर पैथोलॉजिकल लैब के टेस्ट में भी नजर आएगी और फिजिकल साइंस और के तौर पर भी हम उसको देख सकेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर बड़ी बारीकी से डॉक्टर हनीमन ने ये बताया है कि हमें इलाज बीमारी का नहीं करना है, दीवार को रिपेयर करते रहने से वो ठीक नहीं होगा बल्कि उस असल बीमार का इलाज करना है और उसको सेहत की तरफ वापस लौटाना है। और उसका हाईएस्ट एम और मिशन जो है एक होम्योपैथ के लिए वो क्या होना चाहिए, तो उसको अगर तो वो अपने पैसे के लिए या शोहरत के लिए या सोशल स्टेटस के लिए अगर वो ये काम कर रहा है तो फिर वो मिशन नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मेडिकल जो है इसको एक प्रोफेशन के तौर पर लिया जाता है, ना कि एक मिशन के तौर पर लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर हनीमन जो है वो होम्योपैथ डॉक्टर जो है उसको इस हाईएस्ट लेवल ऑफ मिशन पर देखना चाहते हैं। अभी जो है ये जो बीमार की हम बात कर रहे हैं कि बीमार जिस्म बाद में होता है, बीमारी का इजहार जिस्म पर, मिसाल के तौर पर अगर आपके एक घुटने में तकलीफ है और वो बढ़ती जा रही है और पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रही, स्टीराइड्स के इंजेक्शन भी लगवाए गए हैं तब भी वो ठीक नहीं हो रही, आपके इम्यून सिस्टम को भी लो कर दिया गया है फिर भी पेन ठीक नहीं हो रहा, तो अब डॉक्टर्स आपको ये कहेंगे कि ये जी घुटना आपका रिप्लेस होगा। तो आप घुटना जो है वो सर्जरी के जरिए आर्टिफिशियल घुटना लगवा लेते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि जिस्म से वो बीमारी जो अपना इजहार इस घुटने में कर रही थी क्या वो जिस्म से निकल गई है? तो ऐसा तो नहीं है, बीमारी तो जिस्म के अंदर मौजूद है। आपने घुटना जब रिप्लेस कर दिया तो अब वो बीमारी अपना इजहार किसी दूसरी जगह पर करेगी, किसी दूसरे जोड़ में करेगी या किसी दूसरे आर्गन को इफेक्ट करेगी। तो चूंकि जिस्म से नहीं निकली बीमारी या उसका इलाज नहीं हो सका है तो इसलिए वो वहां जिस्म में मौजूद ही है और अपना इजहार किसी और शक्ल या फॉर्म के अंदर वो सामने आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि बीमारियों को जब आप एक जगह से सप्रेस करते हैं तो वो दूसरी का आम तौर पर, ये तो एलोपैथी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनसे आप पूछें कि जी रूमेटिक फीवर जो है इसका क्या कोर्स है, तो वो कहेंगे जी पहले गला खराब होता है तो गले से ये बीमारी जो है वो फिर जोड़ों में मुंतकिल हो जाती है और जोड़ों से फिर ये बीमारी जो है वो दिल के वाल्व को मुतासिर करती है। तो
जब आप एक जगह बीमारी का इजहार हो रहा है, आप उसको ठीक नहीं करते हैं या उसका इलाज नहीं करते हैं या उसको सप्रेस कर देते हैं वहां से, तो वो बीमारी अपना इजहार कहीं ना किसी टिश्यू या आर्गन के अंदर करेगी और ज्यादा पेचीदा मामला जो है वो सामने आएंगे। हमने दुनिया में अगर देखा जाए तो बेतहाशा वैक्सीनेशन कर करके बीमारियों को मजीद पेचीदा कर दिया है। अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाहता वैक्सीन के हवाले से, किसी वक्त तफसीली बात भी करेंगे इस पर कि ये वैक्सीनेशन जो है ये किस कदर ह्यूमन बॉडी के लिए ये खतरनाक है और डेंजरस है, तो अभी फिलहाल इसका मुनासिब वक्त नहीं है, हम इस पर तफसीली बात करेंगे। तो आज की जो पहला पैराग्राफ था, इसमें ये बताया गया है कि फिजिशियन का जो हाईएस्ट एम है वो सिक यानी बीमार आदमी को सेहत याब करना है, ना कि बीमारी का इलाज करना है। तो इसीलिए होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन में हम ये कहते हैं कि इलाज बीमारी का नहीं होता, इलाज बीमार का होता है, और वो बीमार जिस्म नहीं होता है, वो बीमार जो है वो एक शख्सियत होती है। जब आप कहते हैं मैं बीमार हूं, ठीक है, तो इसका मतलब दो तरीके से आप मर्ज का इजहार करते हैं। एक वो अलामात हैं जो आप कहते हैं जी मैं बीमार हूं, मुझे प्यास लगती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा मेरे मैदे को प्यास लगती है या मेरे मैदे को भूख लगी हुई है, आप कहते हैं मुझे भूख लगी हुई है, या लेकिन बाद औकात आप कहते हैं मेरे घुटने में दर्द है। तो अब मेरे घुटने में दर्द है तो दर्द जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो डिजीज है, उसका इजहार घुटने में हो रहा है, लेकिन तकलीफ मुझे है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, चूंकि एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो इसको समझने से कासिर है, वो हर चीज को फिजिकल लेवल पर देखने के आदी हैं कि ऑर्गन्स टिश्यूज स्ट्रक्चर के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, या माइक्रोस्कोप के अंदर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नजर आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं जो बीमारियां काज करते हैं। तो काज और इफेक्ट के असूल के मुताबिक अगर हम देखें तो ये बात जो है वो इतनी दुरुस्त आपको नजर नहीं आएगी। अभी जो पिछला मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये एपिडेमिक के हवाले से, तो उसमें मैंने अपने वीडियो के आगाज में ये कहा था कि इस में जो दवाएं मैं बता रहा हूं ये सिर्फ अलामात हैं दवाओं की, और आप इन दवाओं को बिल्कुल भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल न करें। मैंने उसमें सिर्फ बुनियादी उसूल जो है वो बताए हैं कि होम्योपैथी का एपिडेमिक के बारे में नुक्ता नजर क्या है। तो उस पर मुझे जो फीडबैक मिला तो उसमें कहा गया कि तो आप क्या होम्योपैथी प्रोफाइलेक्टिक को जो है उसको नहीं मानते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि मैंने उसमें तीन तरीके आपको बताए थे। इन जर्नल अगर मैं ये कहूं कि होम्योपैथी में कोई भी दवा प्रोफाइलेक्टिक नहीं है, यानी उन मानों में जिनमें एलोपैथी उसको प्रोफाइलेक्टिक कहती है, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये है कि एक बीमारी जो है वो अभी हुई नहीं है, आप एक दवा मरीज को ऐसी दे दें और ये कहें कि अब आपको वो बीमारी नहीं होगी, तो इसको हम प्रोफाइलेक्टिक कहते हैं, यानी जो साइंस है वो इसको प्रोफाइलेक्टिक है। तो इन मानों में होम्योपैथी में कोई भी दवा प्रोफाइलेक्टिक नहीं है, होम्योपैथी में दवा मरीज की है, और जब मरीज में अलामात पैदा हो जाएं तो उन अलामात के मुताबिक जो दवा तजवीज होगी
वही उसका इलाज होगा। अब जो मैंने ये गुजारिश की थी कि डॉक्टर हनीमन ने स्कारलेट फीवर की वबा के दौरान जो बेलाडोना है उसको प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया, तो वहां ये बात जानना जरूरी है कि उस जमाने में कोई टेस्ट किटें मौजूद नहीं थी जिससे कि टेस्ट करके पता कर लिया जाता कि इस मरीज में जो है वो ये बीमारी पैदा हो चुकी है। तो जब वबा फैलती है तो उसमें डॉक्टर हनीमन ने देखा कि ज्यादातर मरीज जो हैं उसके वो बेलाडोना से ठीक हो रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना यही दवा उन लोगों को भी दी जाए जिनको अभी ये बीमारी जाहिर नहीं हुई है। यानी बीमारी यानी जब एपिडेमिक फैलता है तो साफ जाहिर है कि उसका एक प्रोड्रोमल फेज होता है जिसमें मरीज को अलामात जाहिर नहीं हुई होती है लेकिन वो बीमारी का आगाज हो चुका होता है। तो अब अगर उन लोगों को वही दवा जो है वो दे दी जाए तो वो एक तरीके से उनका इलाज हो रहा होता है बीमारी की इब्तदा ही में, यानी बीमारी उनकी बीमारी लाहक हो चुकी है। अब उस इब्तदाई स्टेज पर ही चूंकि उनको दवा मिल गई है तो अब वो अलामात ही जाहिर नहीं होंगी और वो मरीज ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो जीनस एपिडेमिकस का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हर जो वबा है उसकी अपनी एक जीनस एपिडेमिकस होगी और वो एस्टेब्लिश तब होगी जब आप एक्चुअल मरीज जो है उनकी अलामात पर दवा देकर उनको ठीक करेंगे। तो अब जो बाकी लोग हैं जो के अभी जिनमें बीमारी हो तो चुकी है इन्होंने लग चुकी है लेकिन अभी अलामात जाहिर नहीं हुए, अगर उनको भी आप वही दवाई दे देंगे तो उनमें अलामात जाहिर ही नहीं होंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और मैंने उसमें यह भी गुजारिश की थी कि जो नोसोर्स हैं होम्योपैथी में वो एपिडेमिक के दौरान या एज ए ट्रीटमेंट जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी जब बीमारी हो चुकी हो तो एपिडेमिक में भी अगर नोसोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है तो एपिडेमिक के दौरान भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि जिस मरीज को आप नोसोर्ट दे रहे हैं वो बीमार हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्योंकि अब तो खैर टेस्ट किट्स मौजूद हैं जिनसे ये पता चलाया जा सकता है कि ये मर्ज जो है वो लाग हो चुका है, अभी इसकी अलामत नहीं आई है। हाँ, सेहतमंद अगर मरीज को नोसोर्ट दे दिया जाए तो वो उसको उस बीमारी से प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन ये याद रहे कि ये जितनी वायरल डिजीज हैं इनमें हर एपिडेमिक जो है उसका जीनस एपिडेमिकस डिफरेंट होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो नेट भरा हुआ है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मशवरों से, हर डॉक्टर जो है वो होम्योपैथी दवाई बता रहा है और कि जी ये इसके लिए हिफ्ज मातकदम के तौर पर आप इस्तेमाल करें या प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल होम्योपैथी असूल के खिलाफ है और नॉनसेंस है। हाँ, ये मैंने आपको जरूर बताया है कि जो पेशेंट्स आपके पास रजिस्टर्ड हैं आपको उनकी फैमिली हिस्ट्री का पता है, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं, ऐसे मरीजों में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उनको इस्तेमाल करवाएं तो उनके अंदर जो वबाई अमराज हैं उनसे लड़ने की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो जाएगी और वो बगैर बीमार हुए उससे बाहर आ जाएंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि होम्योपैथी में हम कोई भी बीमारी खुद से जिस्म में दाखिल नहीं करते हैं बल्कि बीमार या सिक जो है उसका इलाज करते हैं, और वो उसी सूरत में है कि जब वो अलामात मौजूद हों और उन अलामात की बुनियाद पर ही वो दवा दी जाए। तो चूंकि हनीमन के दौर में टेस्टिंग का कोई सिस्टम तो था नहीं और वबा जब फैलती है तो आपको पता है वो तेजी से फैलती है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जीनस एपिडेमिकस वो दवा होगी कि जिससे आपके एपिडेमिक मरीज ठीक हो रहे हैं। अब वही दवा जो है अगर आप दूसरे लोगों को भी खिला दें तो
तो जिनमें बीमारी अभी बहुत ही इब्तदाई स्टेज पर है और उसकी अलामात जाहिर नहीं हुई हैं, तो गोया के वो उनका इलाज हो जाएगा बीमारी शुरू होने से पहले ही और उनमें वो अलामात जाहिर ही नहीं होगी। तो इस मिसकंसेप्शन को जो है वो दूर करना चाहिए कि होम्योपैथी में एज सच कोई भी प्रोफाइलेक्टिक दवा जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर आपको मेरी इस बात से इख्तलाफ है तो फिर मैं ये मशवरा दूंगा कि जितने भी ये होम्योपैथ डॉक्टर साहबान हैं इनको कोरोना मरीजों की खिदमत पर मामूर कर दिया जाए और ये अपनी प्रोफाइलेक्टिक दवा की एक एक डोज लेकर तो उन वार्डों में चले जाएं और जाके तो लुक आफ्टर करें उन मरीजों की। तो ये तो एक जस्ट लाइट नोट था। आज हमने पहला पैराग्राफ के बारे, इस पे हम आगे मजीद भी बात करेंगे कि ये बीमार से हनीमन की मुराद क्या है और बीमारी और हेल्थ का कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। शुक्रिया।